सब बातों के लिए ठीक नहीं है नांड। लो बताओ, हम थोप रहे हैं उस पर। बचपन से अर्जुन और कीर्ति एक दूसरे को जानते हैं। अरे बदकिस्मती से उनकी शादी नहीं हो पाई। पर आपको तो सब पता है ना, आप समझाइए इसे। नायरा सही कह रही है। एक वक्त हुआ करता था जब समाज की सोच कुछ ऐसी होती थी कि ब्याही हुई लड़की को अपने मायके में नहीं रहना चाहिए। समाज के कुछ ऐसे ही सोच को छोटा पर्दा आज बदलने की फिराक में है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक की बहन और नायरा की ननंद कीर्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसकी शादी टूट गई है, लेकिन घर वाले कीर्ति की शादी टूटने से बिल्कुल भी निराश नहीं है, बल्कि उनकी सोच एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है। कीर्ति को यू नो टू गेट ओवर वन रिलेशन, और क्योंकि वो रिलेशन काफी दर्दनाक रहा उसके लिए, तो उसे कुछ वक्त देकर दे शुड ट्राई टू फिगर आउट बेटर गाय फॉर। पर उसमें भी नायरा मानती कि उन्हें अभी भी थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए। कीर्ति पर दूसरी शादी करने का कोई दबाव नहीं है। नायरा और दादी चाहते हैं कि वो अब जब चाहे अपने पसंद के लड़के से शादी कर सकती है। एक तरफ दादी जो कीर्ति को समझ रही है, अब दादी की सोच से ही समाज में बदलाव आएगा। और भाभी तो कीर्ति के लिए खुशियों की चाबी बन गई है। अभी ऐसा थोड़ा बहुत लग रहा है दैट इट्स सॉर्टेड। दादी कहीं ना कहीं नायरा को नायरा की बात पे यू नो हामी भर रही हैं, और वरना पहले होता था नायरा कुछ और कहती थी और दादी कुछ और कहती थी, बट अभी पीछे जब अनीता आंटी का जब ड्रामा हो उसमें नायरा जब दादी ने नायरा और कीर्ति का साइड लिया सो नायरा को बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन जब दूसरा कोई गलत करता है बेटी के लिए तब तो बेटी का ही पक्ष लेगी ना। और बहुत खुश हूँ मैं कि ये दादी का रूप भी आया, जहाँ अलग अलग रूप दिखे हैं लोगों को तो बहुतांश ऐसा दिखा है कि दादी बहुत चिढ़ती है, कीर्ति से गुस्सा होती है, तो आज ये अलग रूप दिखा कि हमारी बेटी के बारे में कोई गलत बोले तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे आप दादी का ये पहलू देखकर थोड़े से चौंक जरूर गए होंगे, क्योंकि पहली बार दादी नायरा के साथ है और इस बात को लेकर कार्तिक भी बहुत खुश है। तो चलिए अब तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द नक्श और कीर्ति की शादी हो सकती है। ये रिश्ता में शादी का मतलब क्या होता है ये इन 8 सालों में हर कोई समझ गया है। इस बार की होने वाली ये शादी कौन सा नया ट्रेंड सेट करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से स्नेहा शर्मा मिश्रा के साथ निशी मिश्रा की रिपोर्ट। ये है ABP News, आपको रखे आगे।